एक दिन सुई और कैंची पास पास रखे हुए थे। दोनों सोच रहे थे कि वे बहुत बड़ा और महत्व का काम कर रहे हैं। दोनों आपस में लड़ने लगे। सुई ने आवेश में आकर कहा, अरे कैंची, तू क्यों अपनी इतनी तारीफ कर रही है? तेरा काम तो टुकड़े करने का है। कैसे भी काट कर तू एकता को तोड़ देती है। मैं तो जोड़ने का काम करती हूँ। अलग करने का काम करती है तू, और जोड़ना पड़ता है मुझे। तेरी वजह से मुझे कितना परेशान होना पड़ता है। कैंची ने शांति से कहा, प्यारी सुई, मैं जो टुकड़े करती हूँ उनसे कुछ नया ही बनता है, और वह लोगों के उपयोग में आता है। मैं यदि काटूंगी नहीं तो तुझे काम कैसे मिलेगा? तू बेकार न हो जाएगी, बल्कि मैं हूँ तो तू है, नहीं तो तेरी जरूरत ही क्या है। एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए सुई और कैंची लड़ रहे थे। उसी समय वहां दर्जी आ गया। उसने हंसते हंसते कहा, आप लोग बेकार में लड़ रहे हो, मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ती है। तुम दोनों का काम बहुत उपयोगी है, ये देखो। दर्जी ने एक कपड़ा लिया और उसे कैंची द्वारा काटा और सुई द्वारा सिया और एक बहुत अच्छी कमीज तैयार की। एक बच्चे को बुलाकर उसे वो पहनाई। बच्चा कमीज पहनकर खुश हुआ और ताली बजाने लगा। कैंची और सुई समझ गए कि नए कपड़े बनाने के लिए दोनों की बराबर ही जरूरत पड़ती है। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी भी लड़ाई नहीं की, और आज तक वे काटने और जोड़ने का काम करते हैं।